नमस्कार, मैं आनंद राणा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि सुर संगम। तो आज आपको मेरी आवाज़ तो सुनाई दे रही है लेकिन मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ। मेरी जगह पर आज मेरे दो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, ये दोनों ही बैंजो प्लेयर हैं। और जो बड़े मियाँ आपको दिख रहे हैं इनका नाम है आयुष तंवर, और जो छोटे नन्हे मुन्ने कलाकार दिख रहे हैं इनका नाम है सोम यादव। दोनों ही बहुत टैलेंटेड है और बैंजो सीख रहे हैं यहाँ पर अभी। आयुष जी जो है, एक बार आप प्रणाम करिए सभी को आयुष जी, और यहाँ पर सोम जी आप भी प्रणाम करिए सभी को। तो ये यहाँ पर दोनों बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं मेरे, और आयुष को अभी 1 महीना ही हुआ है लेकिन रियाज वो भले ही 1 या 2 घंटे कर रहा है लेकिन कंटिन्यू उसने रियाज किया है। तो बहुत जल्दी उन्होंने जो अपनी फिंगर्स है वो बैंजो पर सेट की है, वो कंटिन्यूस रियाज चल रहा है। और हमारे जो छोटे कलाकार हैं ये भी 5-6 महीने से आ रहे हैं, पहले इन्होंने आर्गन बजाया लेकिन अब बैंजो सुना तो बैंजो के शौकीन हो गए हैं और बैंजो ही बजा रहा है वो भी। तो आज जस्ट ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, रियाज कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको लाइव रियाज में इन लोगों का सुनाता हूँ कि किस तरीके से ये रियाज करते हैं चीज़ों का। तो आइए अब हम देखते हैं इनका रियाज। यहाँ पर लय को समझना कितना इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर देखना है, किस तरीके से यहाँ पर जो बीपीएम चल रहा है वो 100 BPM चल रहा है, और 100 BPM पर ये लोग कंटिन्यूस, मैं इन लोगों से आधे घंटे ऐसे बजवाता हूँ, क्योंकि जितना हम लोग विलंबित में रियाज करते हैं उतना हम लोग लय के कॉन्सेप्ट को, वो जो लय है वो हमारे अंदर अच्छे से समाहित हो जाती है ना, अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं लय को, लय का सेंस डेवलप होता है यदि हम लोग विलंबित लय में अभ्यास करते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग भी जब रियाज करें तो पहले कुछ देर आपको विलंबित लय में ही रियाज करना है। लय को समझने का और लय को साधने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जितना हम लोग विलंबित में रियाज करते हैं उतना हम लोग लय के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि जितना गैप अधिक रहता है उतना हम लोग लय में पक्के होते हैं ना, क्योंकि गैप यदि ज़्यादा रहेगा तो हमको उसमें सोचने का जो समय मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा है ना वहाँ पर। तो एक बीट के बाद दूसरी बीट कब आ रही है वो हमको बहुत अच्छे से ध्यान में आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये लोग दोगुना स्पीड में बजा रहे हैं, 100 के 2 गुना लेकर ही।
इस तरीके से आप लोगों को भी एक पलटे को लेकर के बैठना है और उसको कम से कम आधे घंटे एक घंटे तक आपको बजाना है। पहले शुरुआत विलंबित गति से करना है, उसके बाद उसको फिर धीरे धीरे लय को बढ़ाना है आपको, ठीक है, और दोगुना स्पीड में आपको बजाना है। तो इससे आपको लयकारी का भी ज्ञान बढ़ेगा कि एक बीट में दो सुर बजा रहे हैं, एक मात्रा में दो मात्रा जब बजती है तो वो दोगुना की लयकारी कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी रियाज करना है, धीरे धीरे पेशेंस के साथ धैर्य के साथ रियाज करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। जितना धैर्य के साथ आप लोग रियाज करेंगे उतना आप शुद्ध बजाएंगे और जल्दी सीखेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में बिल्कुल रियाज नहीं करना, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और रियाज कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे सीखेंगे। इसी तरह का कंटेंट और यदि आप चाहते हैं और बैंजो सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करना, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा और इस तरीके से मैं अपने स्टूडेंट्स का रियाज भी आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।